हाँ जी, सब लोग आ गए वापस। इज एवरीबडी बैक? सर। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस कर ले। अंबर त्रिपाठी, त्रिपाठी सब गायब है। मिश्रा, अरे सर मिश्रा जी कैसे हैं? सर बढ़िया सर। वहां पे मीटिंग खत्म हुई कि नहीं हुई अभी? अच्छा, सर हम लगा कर नहीं रखे थे सर। नहीं रखे थे। अच्छा ठीक है, तो आपके दोस्त तो गायब है दो चार। मीटिंग चल रही है सर, खत्म हो गई, चल चल रही है सर, चल रही है। रही है। अच्छा, 1 घंटा तो हो गया भाई, लंबी मीटिंग है। चलो अच्छी बात है। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन पोलारिस, वहां से क्लैरिफिकेशन बढ़ जाएगी। मैं 4 बजे के इंतजार करता हूँ कि मैं खत्म हो जाएगी, तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी आएगा यहाँ पर और मेरा टॉपिक भी खत्म होगा। टाइम हमारे पास कम है। हाँ जी, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। कोई बताएगा क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? सर जीएमटी चेक कर रहे हैं। सबसे पहला काम ये है, हमारे को जीएमटी की डेट चेक करनी पड़ेगी। जीएमटी आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? जीएचए एरीज निकालेंगे। जीएचए एरीज निकाल के क्या करेंगे? एलएचए एरीज, एलएचएरीज। एलएचए एरीज निकाल के क्या करेंगे? टेबल में घुस जाएंगे यस सर। और A0 A1 A2 निकाल लेंगे, और फिर दूसरी तरफ सेक्सटेंट एक्सटेंट ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड को करेक्ट कर देंगे। ट्रू ऑल्टीट्यूड तक पहुंचोगे, और फिर ट्रू ऑल्टीट्यूड निकाल के उस पे A0 A1 A2 लगा दोगे, -1 डिग्री कर दोगे, हो गया क्वेश्चन खत्म। सही है कि नहीं? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आप लोग करिए। हाँ पहले क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए। सर इसमें एएम और पीएम कुछ नहीं है। एम पी एम मतलब भाई पोलैरिस रात को ही दिखेगा। मैं अभी उसी पे आया था। अर्ली अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे भी दिख सकता है सर। मॉर्निंग के टाइम पे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी जरूरत क्यों है? भाई जो जीएमटी है उसमें लॉन्गिट्यूड लगाओ, एलआईटी आ जाएगा, खत्म होगी बात। एलआईटी की डेट और क्वेश्चन की डेट सेम कर दो, तो तुम्हें पता लग जाएगा जीएमटी 1 दिन पहले का है या उसी दिन का है, खत्म होगी बात। दिखाऊं क्या? नो सर वो तो नहीं हो सर, जाएगा। जीएमटी सेम ही आ रहा है। 31st डे आ रहा है। सेम नहीं आ रहा, 1 दिन हाँ पहले का मतलब आ एक रहा। दिन पहले आ रहा है।
हाँ 31 आ रहा है, सेम डे नहीं आ रहा, करेक्ट। आई मीन सर टाइम सेम है। एलएचए एरीज की वैल्यू चेक करो, सेम आ रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड सर। लैटिट्यूड 17 degree 54.1 north। 17 degree 54.1 minute north, ऑलमोस्ट सेम है, मेरा 54.2 आ रहा है, इट्स ओके। तूने A0 को इंटरपोलेट तो नहीं कर दिया ज्यादा, जरूरत नहीं थी इंटरपोलेशन की? नहीं सर, 16.5 है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सर। A2 को मैंने 0.02 ले लिया। हाँ कुछ तो कुछ किया है, उनको इंटरपोलेट नहीं करना है, A1 और A2 को इंटरपोलेट नहीं करना है, सिर्फ A0 को इंटरपोलेट करना है, जरूरत पड़े तो A1 A2 को इंटरपोलेट नहीं करना है। कॉपी दैट। इनफैक्ट ये बात लिखी भी हुई है, एक बार पढ़ो, मैं चाहता हूँ सब लोग पढ़ो, जो ये पोलारिस वाला पेज है उसमें नीचे नोट्स लिखे हैं, एक बार पढ़ लो उसको। देयर आर नोट्स गिवन ऑन द सेम पेज डाउन बिलो, प्लीज रीड दैट नोट, दैट विल गिव यू द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज द टेबल। मैंने बता दिया है बट फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वहां पे सब लिखा भी हुआ है। यस सर, पढ़ें। हाँ कोई कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम में, कभी ऐसा होता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो ये नोट्स पढ़ लेना। हाँ जी आगे दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट एंड ऑल्टीट्यूड। शुभम पाठक बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही, तू कर रहा है कि नहीं? यस सर, कर रहा हूँ।
चेक करो कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही यार, हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हो गया सर, हो गया। नहीं यार मुझे तेरा तो हो गया, बाकी चेतन कुमार सर। चेतन भाई डेविएशन 2.6 वेस्ट। डेविएशन कितनी आई? 2.6 वेस्ट, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी चेक करें अपने आंसर्स, सबको मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर, यस। अरे तो यार लोगों ने किया ही नहीं होगा, कम से कम उतार तो लो। नहीं सर मैच हो रहा है, 2.6 वेस्ट आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, यस सर मैच हो रहा है। ठीक है वेरी गुड भाई, मीटिंग खत्म हो गई वहां पे कि नहीं? सर क्वेरीज चल रही है, बेकार है मीटिंग। क्वेरीज चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे दूं कि नहीं? दे दीजिए सर। यस सर। ये क्वेश्चन पूरा हो गया क्या, कोई बताएगा मुझे? हो गया सर। नहीं क्या चीज आएगी? पीएल सर, पीएल 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 तो आ रही है। डायग्राम 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 ही इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्टैगर्ड पे पहुंचना है,
और स्टैगर्ड में डायग्राम ही बनाना है हमारे को, तो यहाँ से जो डायग्राम निकलेगा वो स्टैगर्ड में प्लॉट करना है, तो हमारे को डायग्राम की ही जरूरत है और किसी ने ये बात नहीं करी, तो डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है। दिस इज द डायग्राम, सही है कि नहीं? तो सही तो लग रहा है ये सर, तो ये ऑब्जर्व लैट और डी लॉन्ग डी आर लॉन्ग पे। हाँ लॉजिकल सी बात है ना भाई, हमने जो चीज नई निकाल ली वो तो वही प्लॉट करेंगे, लॉजिकल सी बात है। नई चीज क्या है? ऑब्जर्व लैट। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम लोग पहले डी आर लॉन्ग भी बनाते थे फिर ऑब्जर्व ऑब डी आर लैट भी बनाते थे ऑब्जर्व लैट। अरे पॉइंट ये है वो बना तो कभी भी सकते हैं, इसमें ही बना दो तुम डी आर लैट, कौन सा बना दिक्कत है? वही वही सर वही। अल्टीमेटली पीएल कहां से पास करेगी? जो नई चीज ढूंढी है उससे पास करेगी ना, सिंपल सी बात है। नई चीज क्या ढूंढी है? ऑब्जर्व लैट, तो उसी से पास करेगी, ये वाली बात है। हाँ जी अगला क्वेश्चन दो। यस सर गो अहेड। एक छोटे से नोट्स बना लो, ये वाले कभी कभी काम आते हैं, ये वाले। लिख लेना इसको अच्छे से, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ जी हो गया सबका? नहीं नहीं सर एक मिनट लिख रहे हैं। लिख लो लिख लो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा मेथड तो नॉटिकल एल्गोरिथम में दे रखा है। पूरा मेथड कहाँ दिया हुआ है? इसमें दे रखा है ना पूरा LHA एरीज निकाल लो फिर A0 A1 A2। हाँ मतलब मोटा मोटी यहाँ से पूरी क्लैरिफिकेशन हो जाती है, जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा इससे पढ़ के निकाल लेगा, वही बोल रहा था मैं भी। 30 नंबर फ्री के हैं सर, ये सबसे आसान है, ये 5 मिनट में क्वेश्चन होता है, मेरी बात याद रखना, जस्ट 5 मिनट्स। और ये क्वेश्चन आ गया मतलब बिल्कुल फ्री के नंबर है, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे। इसमें भी वो दो पार्ट दे देते हैं ए बी। नहीं वो ठीक है। अब सोच के बताओ ये 35 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, लॉजिकल तो नहीं होना चाहिए। 35 मार्क्स इज अ वेरी बिग थिंग ना सर। ये नवंबर में आया पोलैरिस का पूरा 35 नंबर का? यस सर पूरा 35 का है, अच्छी बात है। यस सर 35 सर ठीक है। वैसे नॉर्मली ये बात सही है, ए और बी पार्ट में आता है ये, 15 या 20 नंबर में आता है ये क्वेश्चन नॉर्मली, किसी में दे दिया वो पूरे का। चलो ये क्वेश्चन करो फिर, प्लीज डू दिस क्वेश्चन।
सर जो इसमें ये ए टू की करेक्शन लेंगे तो ये हमारे जीएमटी वाले डे की आएगी या लोकल टाइम वाले की? सर जीएमटी वाले डे की आएगी, लॉजिकल सी बात है, जो जीएमटी हमने सारी कैलकुलेशन जीएमटी से कर रहे हैं। ओके सर, ओके, लॉजिकल सी बात है ना, वी आर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन एज पर जीएमटी, ऑल द डेटा आर गिवन एज पर जीएमटी इन द होल एल्मनैक, तो दिस हैज टू बी द जीएमटी डेट। थैंक यू सर, थैंक यू।
अभिजीत हो गया बेटा तेरा? यस सर। तेरा हो गया क्वेश्चन? यस सर। सेम आ गई वैल्यूज? यस सर। ठीक है, फाइनल वाला डायग्राम बनाया ना? बना रहा हूँ, वही वही बना रहा। ठीक है, भूलना नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? यस सर, यस डेफिनेटली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, गो अहेड प्लीज। सर तो एक ये रोलिंग स्केल चाहिए और आपने क्या ग्राफ शीट? नहीं 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 नहीं, मुझे ग्राफ शीट नहीं चाहिए, मुझे एक तो वो रोलिंग स्केल चाहिए और एक 360 डिग्री वाला डी चाहिए, प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको। ओके सर। वो पूरा जो गोल सा होता है ना, वो वाला। ठीक है सर। जो आधे वाला होता है वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और सर ये हम एग्जाम में भी यूज कर रहे हैं। हाँ वही एग्जाम में भी यूज करना है हमारा, एमएमडी एग्जाम में भी, वो भी तुम्हारे तो अपना लेके जाना है, वहां पे नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, सिर्फ 10 रुपए का आता है वो, इट इज ओनली कॉस्टिंग 10 रुपीज। वो डी जो है, डी तो है सर, बट वो रोलिंग स्केल अभी ढूंढना पड़ेगा। रोलिंग स्केल, रोलिंग, देखो मेरी बात सुनो, अगर रोलिंग स्केल तुम्हारे पास नहीं है तो भी हमारा काम चल जाएगा। नहीं है सर, डेफिनेटली नहीं, तो खरीद लिया है। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट क्या था, देखो जो खरीद लेगा उसका काम आसान हो जाएगा। इनफैक्ट चार्ट वर्क में भी वो यूज होता है, किसी को मालूम हो तो। नहीं, किसी ने सिखाया नहीं सर। होता है सर। सर कैसा दिखता है रोलिंग स्केल? भाई गूगल कर लो यार। कैसा दिखता है? क्या यार तुमने पीसी नहीं करी? क्यों मैं पीसी में भी यूज नहीं कराया सर ये रोलिंग स्केल? नहीं कराया था सर। अच्छा पीसी में नहीं कराया होगा, मान लिया मैं तुम्हें, तो किसी ने वो किया है कि नहीं, आरओसी का कोर्स, आरपा का कोर्स? नहीं उसमें वो अभी नहीं किया, वो अभी नहीं किया, तो उसमें भी झूठ पड़ेगी सर, ग्रुप पे भेज दिया। उसमें तो बहुत झूठ पड़ेगी, आरओसी आरपा कोर्स तो हो ही नहीं सकता इसके बगैर। यस सर। यस सर, ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं सर, तो रडार प्लॉटिंग के लिए सर। हाँ रडार प्लॉटिंग के लिए, और ये जो रोलिंग स्केल है बहुत सस्ता आता है, सर। यस सर, अमेजोन पे बहुत महंगा है, उसकी जो कॉस्ट है 30, 40, 50, 60 बस इतनी है। ओके सर। सर 65 का मिल रहा है शॉप में, महंगा दे रहा है अभी भी, 50 रुपए का साइज पार्टक मैक्सिमम सर, महंगाई बढ़ गई है। मैक्सिमम साइज सर, मैक्सिमम साइज 65 का सबसे बड़ा वाला, फिर सही है सर, बड़ा नहीं आएगा। हां ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि ये बहुत महंगी चीज नहीं है, बहुत सस्ती चीजें हैं। ठीक है सर, सैटरडे को ले आएंगे सर। इनफैक्ट Amazon पे तुम देखोगे जो डी है, आई थिंक 100, 150, 200 रुपए की डी दे रहा है, और मार्केट में 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए में डी आती है। सर पैरेलल रूलर 550 का दिया उसने मेरे को। किसने? अमेज़न ने? यस सर। आज बढ़िया है तो, ठीक है यार वैल्यू तो ठीक है, 550 से कम क्या मिलेगा। ठीक है। नहीं सर, जो आप उस सर्किल 360 वाला बता रहे हैं ना सर, वो 30 रुपए का हो गया। नहीं नहीं 30 रुपए का बिल्कुल नहीं है, गलत बता रहा है, बेवकूफ बना रहा है, जिसके भी ले रहे हो। सर हम जहाजों को सब बेवकूफ बनाते हैं। ये बात तो सही है, पर उसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपए की ही है एक्चुअली में, डी की वैल्यू। और जो ये रोलिंग स्केल है, ये मैंने अभी खरीदा था कुछ दोबारा से 2-3 महीने पहले ही, तो मुझे कुछ 50 रुपए की या 40 रुपए का रोलिंग स्केल पड़ा था और 10 रुपए की डी पड़ी थी, तो मोटा मोटी दोनों चीजें मुझे 50 रुपए या 60 रुपए में आ गई थी, अभी की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। कल यूज करेंगे ना रोलिंग स्केल और डी? 99% कल ही शुरू करूंगा मैं, साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल मैं दो चीज करने वाला हूँ कल, एक तो पहले एक छोटा सा करे वो करानी है मुझे, क्या कहते हैं, कंपास एरर कराना है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन करके कंपास एरर पे पहुंचेंगे, वो एक पीरियड में खत्म कराऊंगा मैं, फिर बाकी जो दो पीरियड मेरे बचेंगे उसमें मैं साइमल्टेनियस शुरू कराऊंगा, तो कल मुझे चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी के पास रोलिंग स्केल नहीं भी है तो भी हमारा काम चल जाएगा, डोंट वरी। बट डी होना जरूरी है, डी होना जरूरी है, डी के बगैर का। और डी डी स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ, कोई भी छोटे वाला आधे वाला डी नहीं यूज करेगा, 100% नहीं यूज करेगा। ओके चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादा क्वेश्चन मत करो, लेकिन डी छोटा यूज नहीं करना है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, मुझे 5 मिनट की बातचीत करनी है, मेरा टॉपिक खत्म हो गया है, आई एम नॉट डूइंग एनी अदर टॉपिक नाउ, विल डू इट टुमारो, बट मुझे दो बातें करनी है। एक तो बात ये थी कि
क्या आर यू गाइज ऑल्सो फेसिंग एनी इशू विद आर एस आर और गुरनानी सर? नहीं नहीं सर, नहीं सर, सब बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम मतलब क्या हुआ? गुनानी सर कहते हैं, सर गुनानी सर कहते हैं कि पेपर नहीं कर पाए तो जय श्री राम। नहीं सर, अब तो वो पास पेपर करा रहे हैं, और हम लोग ने सरीन सर ने पूछा था कि आपको कोई और क्लास चाहिए, तो हम लोग ने यही सजेस्ट किया कि चार्टवर्क की और क्लास दे दे ताकि हम पास पेपर देख पाए। ठीक है, ठीक है, बस और बाकी सब सही है सर। मुझे जूनियर्स कुछ कहा सर? हाँ सर, जूनियर्स में मैंने सुना है काफी इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें आ रही है। हाँ जूनियर्स भी है, तो मुझे कह रहे थे कि सीनियर्स को भी परेशानी है। मैं कहा सीनियर्स तो मुझे कभी नहीं कुछ कहा। मैं कहा अच्छा, एकदम हमारे बड़े हैं सर, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा ना। वैसे तो अब मोमेंट लास्ट मोमेंट ही है, ऑलमोस्ट थ्री मोर वीक्स टू गो। ठीक है चलो, फिर बात ही खत्म होगी। किसी और का सिलेबस खत्म हो रहा है तो मुझे बताओ। सर आई थिंक कार्गो, लेकिन सर उसमें कुछ बचे हैं टॉपिक्स। नहीं सर, कार्गो में भी टैंकर का थ्योरी बाकी है। और लेकिन सर अजय पुरी सर कह रहे थे कि उनका लॉ हो गया है और सेफ्टी में थोड़ा रिस्क असेसमेंट का उनको कुछ बताना है, और कंस्ट्रक्शन में बिल्ज कील बाकी है बस। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद जो उनको पीरियड मिलेंगे उसमें रिवीजन करा लेंगे वो। यस सर, और हम लोग ब्रिज में सर अभी मैग्नेटिक चल रहा है, उसमें 15 क्लासेस लगेंगे, अभी स्टार्ट हुआ है इनिशियल। तो खैर नहीं, नॉर्मली सर 13-14 क्लास लगाते हैं। नहीं सर, वो भी है ना हम लोग के पास अभी इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम। अच्छा वो पेंडिंग है अभी, तो वो लेके 15 क्लास, वो लेके 15 क्लास। ठीक है, जायरो हो गया? यस सर, जायरो हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। और मीटोलॉजी क्या स्टेटस है? हो गए सर, दो टॉपिक बचे हैं सर, बता लास्ट की वॉर्म करंट एक क्लास करा देंगे। यस सर, सर की क्लास है पर कल। अच्छा ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें काफी पेंडिंग हो? अब सेल ना मत बोल देना। नहीं सर, सेल ना में काफी चीजें पेंडिंग है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर। वो थ्योरी पार्ट ए वाली, हाँ थ्योरी में वो बहुत ज्यादा नहीं है, विल डू इट वेरी फास्ट, तो उसमें कोई टाइम लगना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये था कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट मतलब जो मुझे जहाज पे चीज सीखनी है, जहाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पोजीशन निकालना। मेरी शुरू से लेकर आखिर तक सारी कवायद उसी चीज के ऊपर है कि मैं तुम्हारे को वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ा दूं जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जहाज पे मैं पोजीशन कैसे निकालूंगा वो मेरा ध्येय है। बाकी ये छोटे मोटे से टॉपिक, अर्थ मून सिस्टम, सोलर सिस्टम, ये सब चिंदी टॉपिक्स है, कभी भी कर लेंगे। बट इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे जहाज पे पोजीशन निकालनी है, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस। मैं वही पहुंचाना चाह रहा हूँ तुम्हारे, और गारंटी आराम से आएगा वो कॉन्फिडेंस, गारंटी मेरी। तो बस नेक्स्ट वीक में हमारा ये कॉन्फ्रेंस भी पूरा हो जाएगा, चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। फिर जो छोटे मोटे से टॉपिक है बस वही करेंगे, फिर दो लास्ट के दो हफ्ते बस वही करते रहेंगे। तो वी आर ऑन द ट्रैक, और स्टेबिलिटी में तो हम पता ही है, ऑलमोस्ट हम लोग बिल्कुल ट्रैक में। यस सर, 60 भी कहा, 64 पे हो गए भाई, 64 कर दी हमने। यस सर, यस सर, 64। चलो ये ऑनलाइन थ्री ऑनलाइन सेशन देख के तो लगा कि जिसको भी एग्जाम अपीयर करना है उसको टेक्निकली बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम पैरेलल रूलर भी, इस पैरेलल रूलर यूज ही नहीं कर रहे हैं, स्केल यूज कर रहे हैं वो चार्ट पे। स्केल यूज सर, सर ना, और वो भी नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब कंपास प्रोटेक्टर कुछ कुछ भी नहीं, पैरेलल रूलर यूज नहीं कर रहे, मतलब समझा नहीं मैं, मतलब स्केल से ही सब मार रहे हैं। सेट स्क्वायर और पैरेलल रूलर नहीं, उसमें एक स्केल है वो आप वो उसी पे चलेगा चार्ट पे। डिजिटल स्केल है सर, वो डिजिटल स्केल, डिजिटल स्केल है, इनबिल्ट है, इनबिल्ट। और सर उसका पैरेलल रूलर का हम लोग साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। नहीं वो मैंने देखा हुआ है, आई नो अबाउट इट। वैसे वो अच्छी चीज है, बहुत आसान है वो, बट सर बहुत के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए होती है ना। हाँ ये बात तो सही है, प्रैक्टिस तो चाहिए होगी थोड़ी सी। इससे बढ़िया सर एड्रेस रख लो। नहीं एड्रेस कहाँ पे जाके फिर एग्जाम दोगे, घर पे बैठे बैठे कैसे एग्जाम दोगे एड्रेस के लिए? और उन्होंने अभी कंफर्म किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन होंगे। हाँ सर दोनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन देंगे वो तुम्हारे को। और मेरी बात याद रखना, जो तो शुभम पाठक कहते हैं सारे ऑफलाइन जाएंगे, मेरी गारंटी है सारे ऑनलाइन जाएंगे।
सर कैसे 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 खराब सर ऑनलाइन जा सकते हैं सर ऑनलाइन थोड़ा इजी है बट थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए मैं लेकिन उन्होंने जैसे सर जो आंसर लिखने का बात है सर उसमें उतने टाइप कौन करेगा सर 3 घंटे तक इजी है यस सर उस पे टाइप करना नहीं सर उसमें सर लिख भी सके लिख के सर हम स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं और फिर वो स्कैन हो जाएगा अपने आप हम भी तो ऐसे एग्जाम देते हैं तब सच सही है तब सच सही है सर पेन से लिखने के लिए क्योंकि वही ज्यादा सुविधाजनक है ना सर हमारे लिए अरे बेटा विवेक वही कह रहा हूं अभी हम जब इंटरनल ले रहे कि एग्जाम देंगे तो तुम्हारे को जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर वहां पे भी फॉलो होगा एक्सेप्ट दो या तीन चीज नई सी है वो हम भी सीख जाएंगे और तुम भी सीख जाओगे कोई लंबा चौड़ा गेम है नहीं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादातर लोग यही प्रेफर करेंगे ऑनलाइन एग्जाम दें तो प्रिपेयर रखो आराम से होंगी सब चीजें टेंशन मत लो शुभम पाठक देख ले आधे लोग तो अभी कह रहे हैं मैं ऑनलाइन जाऊंगा तू गया तो कोई भी नहीं जाएगा और सर डीजी डीजी एमटीआई से कह रही है कि आप इसको सक्सेस करिए हम फुल फ्लेजेड ऑनलाइन कर देंगे मतलब वो बेच रहा है ये क्या बेच रहे ये ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्जाम वो कह रहे हैं सारे एमटीआई से कि आप इसको सक्सेस कर दीजिए हम इसको फुल फ्लेजेड कर देंगे ऑनलाइन ही होगा फिर कब मैं तो कह रहा हूं द फ्यूचर इज दैट ओनली लॉजिकल सी बात है थिंक अबाउट इट देखो समझाने की मिल जाए फिर तो जो भी हो सो देख लेंगे बेटा सीओसी एक नहीं आती सीओसी दूसरी भी आती है फिर तीसरी भी आती है मालूम है यस सर खाली एक सीओसी की बात नहीं है अभी लग रहा है सेकंड में भी रुक जाए सर पहली ईट रुक जाए हां पहली ईट तो लग चुकी है प्रीसी में आ चुके हो अब मकान पे हैं सर हाँ पहले फ्लोर पे हो तुम अभी यस सर ठीक है ना चलो कोई बात नहीं जैसे भी होगा सब तैयारी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा ठीक है कल मिलते हैं सवेरे कल फिर बातचीत करेंगे आगे की रणनीति बनाएंगे ठीक है ना ओके गाइस बाय बाय ओके सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बाय गाइस गुड इवनिंग सर